के फेस्टिव रेसिपीज में आप सबका स्वागत है और हम देख रहे हैं वॉलनट स्पेशल। सारी रेसिपीज वॉलनट के साथ है और आज की हमारी ये रेसिपी कौन सी है, हम बनाएंगे कुल्फी। थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी यूनिक है तो सिंपल कुल्फी, पर उसमें हम यूज करेंगे कैलिफोर्नियन वॉलनट्स और ढेर सारे फिग्स। तो चलिए बनाते हैं फिग एंड वॉलनट कुल्फी। दूध को गाढ़ा कर लेना है, तो अगर आप 1 लीटर दूध यूज कर रहे हो तो उसे आप 250 ml तक रिड्यूस कर लीजिए, तो तब ये अच्छी आपकी मलाईदार कुल्फी बनेगी। तो ये दूध जो है ये गाढ़ा हो चुका है, गैस में बंद कर लेती हूँ। और मेरे पास ये जो फिग्स है इसे हमने इस तरह से पानी में भिगा के रख लिया है। और कैलिफोर्नियन वॉलनट के साथ क्या करेंगे, हम इसे कैरामलाइज करेंगे। तो एक पैन में यहाँ पे मैं चीनी से कैरमल बनाऊंगी। चीनी जो है ये पिघलेगी, उसके बाद इसका कैरमल बनेगा, पर तब तक हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं ब्लेंडर में। और फिग्स को जिस पानी में हमने सोक किया है वही पानी हम यूज करेंगे। जितना हो सके पानी आपको कम यूज करना है, क्योंकि अगर आप इसमें पानी ज्यादा डालोगे तो ये लिक्विड या ये प्यूरे जो है वो थोड़ी सी लिक्विड ही बनेगी, और जब हम कुल्फी सेट करने जाएंगे तब कुल्फी में आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, इसलिए कम से कम पानी यूज कर लीजिए। फिग्स को ग्राइंड करने के बाद इसकी पेस्ट बन गई है, इसे मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। एक और चीज़ देखिए, ये कैरमल जो है ये भी बन गया है, इसमें जो चीनी है वो अभी बस पिघल रही है। ये जो होल कैलिफोर्नियन वॉलनट कर्नल्स जो मेरे पास है मैं शुगर में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। फ्लेम को मैंने फिलहाल ऑन रखा है, कैसे करना है आप देखिए। इसमें डालने के बाद आप इसको बस एक बार इसी चीनी में पलट दीजिए, पर आप प्लीज़ अपनी फिंगर्स को इसे टच मत कीजिए, बिकॉज ये चीनी जो है बहुत गर्म है। तो ये मेरे कैरमलाइज्ड वॉलनट्स तैयार हो गए हैं, गैस में ऑफ कर लूँगी। और जो दूध हमने गाढ़ा कर लिया था इसमें हमें डालना है ये केसर। फेस्टिव रेसिपी है, थोड़ा रिच तो होगा ही। अब डालेंगे इसमें ये फिग प्यूरे, अंजीर के टुकड़े भी होंगे कोई बात नहीं। और अब इसे आपको बस इसे मिक्स करना है ताकि जो अंजीर है वो पूरी तरह से दूध में मिल जाए। हम इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे, तो ये मेरे पास है पिसी हुई चीनी, बस ऐसे है इसे बस इसमें मिला लेते हैं। तो ये कैलिफोर्निया वॉलनट्स को इस तरह से क्रश करके रखा है तो वो भी हम इसमें मिला लेते हैं। अभी देखो तो ये अपनी कुल्फी इतनी थिक लग रही है, इसे हम कुल्फी मोल्ड्स में एक एक करके डाल देते हैं। थोड़ी सी जगह हमें इसमें रखनी है क्योंकि जो हमने वॉलनट्स कैरमलाइज किए थे वो हम इसमें डालेंगे। तो ये जो वॉलनट्स हम जो यूज़ कर रहे हैं इस रेसिपी में वैसे बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें एक तो सोडियम बहुत ही कम रहता है, और ऐसा कहा जाता है कि आपको एक हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स रोज खाने चाहिए। तो जब बच्चे खेलने जाते हैं नीचे तब उनके पॉकेट में थोड़े से वॉलनट्स डाल दो, बस खेलते खेलते वो खाते रहेंगे और उनको न्यूट्रिशन भी बिल्कुल उसी वक्त मिल जाएगा। अब ये जो कैरमलाइज वॉलनट्स हमने किए हैं इसे भी हमें डालना है, और कैरमलाइज वॉलनट्स करने से क्या होता है कि कुल्फी में एक क्रंच आ जाता है। तो ये सिलबट्टे में इसे हम थोड़ा सा पीस लेते हैं। तो ये जो वॉलनट की चिक्की हमने की है वो हम इसमें ले लेते हैं और बस लाइटली क्रश करेंगे। बस ये जो क्रश्ड वॉलनट की चिक्की है वो बस थोड़ी थोड़ी हमें इस मोल्ड्स में डाल लेनी है। तो ये हमारी बहुत ही यूनिक स्पेशल रेसिपी है। कब बनाइए इसे, जब आपके घर में कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हो। इसे अच्छी तरह से पैक करके फ्रीजर में हमें इसे एटलीस्ट 10 घंटे रखना है। 10 घंटे के बाद कुल्फी एकदम सेट हो जाएगी और फिर आप इसे सर्व कीजिए। और ये कुल्फी खाने के बाद करोलबाग की कुल्फी लोग भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी कुल्फी ये बनने वाली है। ये ढेर सारी कुल्फी बना के फ्रीजर में सेट करने रख दीजिए और बस मेहमान आए तब उन्हें खिलाइए और उनके साथ साथ आप भी खाइए। तो आज की ये थी हमारी स्पेशल रेसिपी खास मेहमानों के लिए, फिग एंड वॉलनट कुल्फी। फिग एंड वॉलनट कुल्फी। एक डीप नॉनस्टिक पैन में दूध गर्म करें और उसे घटने तक पकाएं। एक नॉनस्टिक पैन में कैस्टर शुगर को कैरमलाइज होने तक गर्म करें। अंजीर छान कर दरदरा पीस लें। फिर हर कैलिफोर्निया वॉलनट के आधे टुकड़ों को कैरमलाइज शुगर में कोट करें और आज बुझाकर ठंडा होने दें। अब दूध में डालें
केसर और पिसे हुए अंजीर और अच्छी तरह से मिला लें। फिर डालें पाउडर शुगर और क्रश किए हुए कैलिफोर्निया वॉलनट्स और फिर एक बार अच्छी तरह से मिला लें। अब इस दूध के मिश्रण को अलग अलग कुल्फी के मोल्ड्स में 3/4 भरने तक डालें। कैरामलाइज शुगर में कोट किए हुए वॉलनट्स को हमाम दस्ता से दरदरा पीस लें। अब हर कुल्फी मोल्ड को थोड़ा सा पिसा हुआ कैरामलाइज वॉलनट्स डालें और ढककर 10 घंटे तक फ्रीजर में रख दें। डीमोल्ड करें और तुरंत परोसें।